हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हिंदी साहित्य आपके पाठ्य पुस्तक सुहानी के अंतर्गत दूसरा पाठ, और इस पाठ का नाम है सोने की कुल्हारी, और यह एक चित्र कथा है, हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ 3-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ध्यान से देखें। पहला सवाल है, लकड़हारा क्या करता है? तो लकड़हारा का अर्थ है लकड़ियाँ काटने वाला, वुड कटर। तो हम सभी जानते हैं कि लकड़हारा लकड़ियाँ काटने का काम करता है। दूसरा सवाल है, क्या लालच अच्छी चीज़ है? आप सभी बताइए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लालच बहुत ही बुरी बात है। तीसरा सवाल, अगर आपको विद्यालय में किसी की कोई चीज़ पड़ी मिले तो आप क्या करेंगे? तो आप सभी बच्चे यह जानते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ विद्यालय में पड़ी मिलती है, किसी की हो, तो हमें उसे विद्यालय में जमा करा देना चाहिए, ताकि वह जिसकी वस्तु है उसके पास पहुंच जाए। तो इस पाठ के बारे में हम देखते हैं कि प्रस्तुत चित्रकथा में यह संदेश दिया गया है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम एक न एक दिन अवश्य मिलता है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलता है। रामू एक गरीब लकड़हारा था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू नदी किनारे एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटी और नदी में जा गिरी। उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। दुखी होकर वह नदी किनारे बैठ गया। तभी अचानक एक जल पड़ी नदी के पानी से बाहर निकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लकड़हारा शब्द का अर्थ है लकड़ियां काटने वाला, वुड कटर, और जल परी जल में रहने वाली परी, मरमेड। तो हम इस कहानी में देखते हैं कि एक रामू नाम का गरीब लकड़हारा था। वह बहुत ही मेहनती था, साथ ही साथ ईमानदार भी था। एक दिन रामू नदी किनारे पेड़ से लकड़ियां काटने गया था और अचानक उसकी हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वह लकड़ियां काटकर अपना जीवन यासिका और अपना रोजी रोटी कमाता था, यह देख के उसका वह कुल्हाड़ी भी नदी में छूट गई है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और दुखी होकर वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। अब अचानक क्या होता है हम देखते हैं। तभी अचानक एक जल परी, मरमेड, जल में रहने वाली परी उस नदी से बाहर निकलती है। आगे पढ़ते हैं। तो जल परी पूछती हैं, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों बैठे हो? रामू कहता है, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली और पूछती है, लो यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो हम जानते हैं कि रामू बहुत ही ईमानदार था। वह कहता है, नहीं, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी कहती है, जलपरी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। फिर वह पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू दोबारा कहता है, नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो जलपरी एक बार फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू कहता है, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जलपरी ने लकड़हारे को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दी, किंतु उसने लेने से मना कर दिया और अपनी साधारण कुल्हाड़ी ही ली। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम चाहते तो सोने चांदी की कुल्हाड़ी को अपनी बताकर ले सकते थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अब ये तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारी है, रख लो। तो रामू कहता है, धन्यवाद जलपरी। तो हम देखते हैं कि जब जलपरी ने लकड़हारे को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी थी तो उसने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था और उसकी इसी ईमानदारी से जलपरी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई
और उन्होंने रामू को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट स्वरूप दे दिया। आगे रामू लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। और जब उसके पड़ोसी को इस सारी घटना का पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। वह भी लोहे की एक कुल्हाड़ी लेकर उसी स्थान पर पेड़ से लकड़ियाँ काटने पहुँचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। नदी किनारे बैठकर वह झूठ मूठ के आंसू बहा रहा था और इस बार भी जल पड़ी सहायता के लिए नदी से प्रकट हुई। उसने उस लकड़हारे से पूछा, तो हम देखते हैं कि अब जब जैसे ही रामू तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर सोने की चांदी की और अपनी लोहे वाले कुल्हाड़ी लेकर अपने घर खुशी खुशी जा रहा था और उसके पड़ोसी को अर्थात पड़ोस में रहने वाले को नेवर को जब इस सारी घटना का पता चला तो वह भी उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा मैं भी ऐसा ही कुछ करके इस प्रकार की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त कर लूँगा। तो वह भी लोहे की एक कुल्हाड़ी लेकर उसी स्थान पर पेड़ से लकड़ियाँ काटने पहुँच गया और जानबूझकर उसने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी और झूठ मूठ कर आंसू बहाने लगा। और जिस तरह जलपरी रामू की सहायता के लिए आई थी, वह इस बार इसकी सहायता के लिए भी आई और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस पड़ोसी कहता है, मैं पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो जलपरी कहती है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। तो लकड़हारा कहता है, ठीक है, जल्दी से निकाल दो। अब जलपरी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, जलपरी ने पूछा। तो लकड़हारा कहता है, हम जानते हैं उसके मन में लालच था। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, लाओ मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तो जलपरी को यह समझते देर ही नहीं लगी कि यह आदमी बहुत ही झूठा और लालची है और उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास कीमती सोने की कुल्हाड़ी है फिर भी तुम लकड़ियाँ काटने का काम करते हो। तुम झूठे और लालची आदमी हो, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब यह सुनते ही जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी के जल में समा गई और लालची लकड़हारा बहुत देर तक वहाँ मायूस बैठा रहा। मायूस का अर्थ होता है निराश होकर बैठना, होपलेस होकर बैठना। और आखिर में थक हार कर वह अपने घर लौट आया। तो हम इस कहानी के माध्यम से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी के माध्यम से बच्चे यह सीखते हैं कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए।